अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं कुरैशी सर की पाठशाला। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है यूज़ ऑफ वानना। आज के हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि वानना का यूज़ कैसे किया जाता है, ये वानना बला क्या है, ये वानना कहते किसे हैं, ये वानना क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। जो द वर्ल्ड वानना है ये इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली, ये वर्ड शुद्ध नहीं है। ग्रामेटिकली हम इसको कहते हैं वानना जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है वांट टू की। ठीक है, वांट टू को शॉर्ट फॉर्म में वानना कहते हैं। ये एक स्लैंग वर्ड है, स्लैंग वर्ड बोले तो लोकल वर्ड टपोरी वर्ड है अमेरिकन इंग्लिश का, लेकिन अब ये अमेरिकन इंग्लिश से धीरे धीरे इंडियन इंग्लिश में भी आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा आपने इसका यूज़ होते हुए सुना होगा। वानना का इंडियन इंग्लिश में भी आजकल यूज़ होने लगा है। वानना का अर्थ होता है वांट टू। अब आप कहेंगे स्लैंग वर्ल्ड क्या होता है। स्लैंग वर्ल्ड जैसे आप हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो आपके हिंदी भाषा में भी कई स्लैंग वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे अबे यार, मेरी बैंड बज गई। बैंड बजना क्या है, स्लैंग वर्ल्ड है। ठीक है, बैंड बजने का कोई अपना अर्थ नहीं होता। या मेरी वाट लग गई, आजकल टीवी सीरियल का ये स्लैंग वर्ल्ड है। ठीक है, तो आप स्लैंग वर्ड समझ गए होंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वानना के यूज़ करने का एक सीधा सा फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वानना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी वानना को हम क्या कहते हैं, वांट टू कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इस टाइप के वर्ड्स ऐसे यूज़ करने चाहते हैं, जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं, आप वहाँ जाना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या आप उससे मिलना चाहते हैं। जैसे कि कहा जाए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो इसका होगा आई वांट टू टॉक यू। हम इसे साधारण भाषा में कहेंगे आई वांट टू टॉक टू यू, यानी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन अभी अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहें तो हम इसे कहेंगे साधारण शब्दों में आई वाना टॉक टू यू, यानी कि आई वाना टॉक टू यू, यानी कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये हो जाएगी इसकी सिंपल फॉर्म। तो और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, दे वाना प्ले क्रिकेट। दे वाना प्ले क्रिकेट, दे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वाना हमारा वाना रहेगा, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं दे वांट टू प्ले क्रिकेट। याद रखिए दोस्तों, वानना का यूज़ जो होता है वो इनफॉर्मल तरीके से होता है। फॉर्मल तरीके से हम लोग वांट टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया स्लैंग वर्ड है, स्लैंग वर्ड मतलब टपोरी वर्ड है। तो वानना का यूज़ हम क्या करेंगे, फॉर्मल इंग्लिश में नहीं करेंगे, स्कूल कॉलेज वगैरह में कहीं नहीं यूज़ करेंगे, अपने बड़ों के सामने नहीं यूज़ करेंगे, दोस्तों में वगैरह इनफॉर्मल जब हम बोलेंगे तब हम वानना का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि कहा जाए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे, आई वाना मीट यू। आई हमारा सब्जेक्ट है, वाना वाना है, मीट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यू ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वाना मीट यू। अब अगर हम फॉर्मल तरीके से कहेंगे शिष्टाचार भरे लहजे में तो कहेंगे आई वॉन्ट टू मीट यू। जैसे कि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसको हम कहेंगे वाना के यूज़ से वी वाना लर्न इंग्लिश, या अगर हम फॉर्मल तरीके से कहेंगे तो हम कहेंगे वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। इसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं कंप्यूटर ख़रीदना चाहता हूँ, मैं कंप्यूटर ख़रीदना चाहता हूँ, आई वाना बाई ए कंप्यूटर, यानी कि मैं एक कंप्यूटर ख़रीदना चाहता हूँ। अगर हम इसे फॉर्मल तरीके से कहें तो हम इसे साधारण भाषा में आई वॉन्ट टू बाई ए कंप्यूटर, जैसे आप कहना चाहें वैसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेघा मोहन से शादी, जैसे कि कहा जाए मोहन मेघा से शादी करना चाहता है, तो अब हम इसे वानना के यूज़ से कहेंगे मोहन वानना मैरी मेघा, या मोहन वांट्स टू मैरी मेघा। इस एग्जांपल में एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, यहाँ वांट्स टू लिखा हुआ है लेकिन वानना का अर्थ तो खाली वांट टू के लिए होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वांट्स टू के लिए वानना का अर्थ इनकरेक्ट है। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये इनकरेक्ट हमारा वर्ड है, लेकिन हम इसका यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक स्लैंग वर्ड है। हम वांट्स टू का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई स्कूल कॉलेज में तो लिख नहीं रहे हैं, जो कोई हमें पकड़ लेगा, आजकल जनरल इंग्लिश में यूज़ हो जाता है इसका। हम वांट्स टू भी लगा सकते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन वांट्स टू मैं यही आपसे डिमांड करूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वांट्स टू वानना के लिए ना लगाएं, और आप चाहे लगा दें तो ऐसा कोई ब्लंडर नहीं हो जाएगा। जैसे कि मोहन मेघा से शादी करना चाहता है, मोहन वानना मैरी मेघा, या मोहन वांट्स टू मैरी मेघा। जैसे कि अब्दुल इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, तो क्या होगा, अब्दुल वानना पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन।
यहाँ अब्दुल हमारा सब्जेक्ट है, वाना वाना है, पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पार्टिसिपेट, इन दिस कॉम्पिटिशन हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे कि ये इनफॉर्मल तरीके से कहा जाएगा, अगर हम फॉर्मल तरीके से इसी को कहें तो हम कहेंगे अब्दुल वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखेंगे कि वो एक नौकरी की तलाश करना चाहता है, ही वाना सर्च फॉर ए जॉब, ठीक है, या ही वांट्स टू सर्च फॉर ए जॉब। जैसे कि ग्रामेटिकली वांट्स टू लगता नहीं है लेकिन आप लगा भी सकते हैं। उमूमन ज़्यादातर आप लोगों ने ट्विटर वगैरह पर सेलिब्रिटीज़ को सिंगुलर नंबर के साथ भी वाना का यूज़ करते हुए देखा होगा, वांट्स टू की जगह, ठीक है। अभी अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखें तो हम इसके नेगेटिव सेंटेंस का सीधा सा फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट, डू या डस प्लस नॉट प्लस यहाँ पर होता है वाना, एक चीज़ मिस हो गई, डू या डस प्लस नॉट प्लस हमारा हो जाता है यहाँ पर वाना, जो मैंने मिस कर दिया था यहाँ पर वाना आ जाएगा, माफ़ करिएगा दोस्तों, गलती से मिस हो गया, टाइप करने में गलत छप गया, ठीक है। जैसे कि कहा जाए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर हम कहेंगे आई डोंट वाना टॉक टू यू, यहाँ आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, डोंट डू नॉट होगा, वाना वाना रहेगा, टॉक हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू यू हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे कि कहा जाएगा मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, तो हम इसे वाना के यूज़ से कहेंगे आई डोंट वाना टॉक टू यू, या अगर हम फॉर्मल तरीके से कहेंगे तो कहेंगे आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। इसी तरह से और इसके नकारात्मक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ, तो इसे हम कहेंगे आई डोंट वाना मीट यू। जैसे कि कहा जाए अब्दुल क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे अब्दुल डज नॉट वाना प्ले क्रिकेट, या अब्दुल डज नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। जैसे कि मोहन मेघा से शादी नहीं करना चाहता है, एग्जांपल लेते हैं, तो हम इसे कहेंगे मोहन डज नॉट वाना मैरी मेघा, ठीक है, या मोहन डज नॉट वांट टू मैरी मेघा हो जाएगा। इसी तरह से अब हम देखते हैं इसके प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एक सीधा सा फार्मूला होता है डू या डस प्लस नॉट, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वाना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वाना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले के यूज़ से आप इसके नकारात्मक वाक्य बना देंगे। जैसे कि कहा जाए सवाल पूछने वाले, क्या तुम ये काम करना चाहते हो, क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो, क्या तुम चाय पीना चाहते हो, क्या तुम म्यूज़िक सुनना चाहते हो, इस टाइप के वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव में वाना के यूज़ से। जैसे कि कहा जाए क्या तुम उससे मिलना चाहते हो, तो इसमें लिखा जाएगा डू यू वाना मीट हिम, डू हमारा वर्ब डू हमारा डू रहेगा, यू हमारा सब्जेक्ट है, वाना वाना है, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हिम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। या हम इसे यूँ भी कह सकते हैं डू यू वांट टू मीट हिम। जैसे कि हमें कहना हो क्या अब्दुल क्रिकेट खेलना चाहता है, अगर हम पूछें क्या अब्दुल क्रिकेट खेलना चाहता है, डज अब्दुल वाना प्ले क्रिकेट, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं डज अब्दुल वांट टू प्ले क्रिकेट, यहाँ डज हमारा डज है, अब्दुल हमारा सब्जेक्ट है, वाना वाना है, प्ले हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अगला कहा जाए, जैसे कि क्या तुम चाय पीना चाहते हो, तो इसे हम कहेंगे डू यू वाना टेक टी, डू हमारा डू रहेगा, यू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वाना वाना रहेगा, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टी ऑब्जेक्ट है। इसी या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं डू यू वांट टू टेक टी, अगर हमें किसी से पूछना हो क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो हम इसे वाना के यूज़ से कहेंगे डू यू वाना लर्न इंग्लिश, या डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, या हमें कहना हो क्या मोहन मेघा से शादी करना चाहता है, डज मोहन वाना मैरी मेघा, ये इनफॉर्मल तरीके से होगा। अगर हम फॉर्मल तरीके से इसी को कहेंगे तो हम लिखेंगे डज मोहन वांट टू मैरी मेघा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वाना का यूज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।